Bhaktirasamrut Sindhu. Shri Rupa Goswami ye shlok Bhaktirasamrut Sindhu mein likhte hain. Aur yahi shlok Sanatan Goswami Hari Bhakti Vilas mein bhi likhte hain. Mere piche boliye. Ananya mamata Vishnu. Mamata prema sangata. Bhaktir uchate Bhishma. Prahlado dhavanarade. Ananya mamata Vishnu. Mamata prema sangata. Bhakti ruchate Bhishma. Prahlado vanarade. Ananya mamata Vishnu. Mamata prema sangata. Bhaktir uchate Bhishma. Prahlado dhavanarade. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, To aap sab bhakton ka अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्तावित राधाष्टमी के इस पावन दिव्य अवसर में हार्दिक स्वागत करते हैं. बहुत सुंदर विरार के भक्तों ने अपनी श्रद्धा से, लगन से और मेहनत से राधा अष्टमी के इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर अत्यंत सुंदर डेकोरेशन किया है. और ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम विरार में नहीं, किसी निकुंज में बैठे हैं, किसी वन में बैठे हैं. और वास्तव में श्रीमती राधा रानी निकुंज विहारिणी हैं. वृंदावन के निकुंज में विहार करती हैं. और ब्रज के भक्तों ने कहा भी है, कृष्ण को और कहीं ढूंढना है, आप अनेकों जगह पर ढूंढो, यदि कृष्ण आपको न मिले तो अंत में वृंदावन में किसी वन में, किसी निकुंज में श्रीमती राधा रानी के चरण को दबाते हुए अवश्य प्राप्त हो जाएंगे. बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में. बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में. बैठो पलोटत राधिका पाइने.
श्री राधिका के चरणों में बैठे ही नहीं है, लौटते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। जयदेव गोस्वामी ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा गीत गोविंद, जिनके एक पद में साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोविंद श्रीमती राधा रानी को कहते हैं, राधे आप अपने दिव्य चरण कमल को मेरे मस्तक पर रख दो और शिरसी मंडनम और मेरे मस्तक की शोभा बढ़ा दो। भक्तों आज जब हम लोग श्रीमती राधा रानी के इस उत्सव को मनाने आए हैं और भक्तों के हृदय में जिज्ञासा है कि हम राधा रानी के विषय में कुछ सुने, परंतु सत्य तो यह है कि संसार का कोई व्यक्ति राधा के विषय में कुछ नहीं बोल सकता है। न तो राजा राधा के विषय में बोलने की कोई योग्यता है और न तो राधा रानी के विषय में कुछ समझने की योग्यता है, क्योंकि राधा तत्व एक दिव्य अलौकिक अद्भुत तत्व है। आप लोगों की कृपा से कुछ दिन पहले हम वृंदावन गए और लगातार 5 दिन तक परम पूज्य गुरु महाराज राधा गोविंद गोस्वामी जी से हमने राधा रानी के विषय में सुना। रोते हुए बारंबार अपनी घृष्टता को प्रस्तुत करते हुए स्वीकार करते हुए कह रहे थे कि राधा रानी के विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ। अरे राधा रानी की बात तो दूर रही, राधा रानी के जो अंश हैं गोपियाँ, ये सब गोपी राधा रानी से प्रकट होती हैं और समस्त गोपियों का प्रेम मिलाएंगे तब राधा रानी का प्रेम बनता है। राधा रानी की काव्य व्यूह अंश स्वरूप गोपी को समझना मुश्किल है तो राधा को कैसे समझा जाए। भक्तों श्रीमती राधा और गोपियों को समझने का प्रयास एक आदमी ने किया और जिसने समझने का प्रयास किया वह तो बेचारा पागल हो गया। वैष्णवनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा। भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रिय सखा जिसका नाम था उद्धव, कहते हैं उद्धव बुद्धि सत्तम। जो उद्धव परम बुद्धिमान थे, इस संसार के समस्त ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह स्वर्ग में गए थे। संसार की समस्त डिग्रियां ले लेने के बाद स्वर्ग में जाकर अनेकों डिग्री लेकर आए। आज इस संसार में कुछ लोग भारत में पढ़ जाते हैं फिर लंदन जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न जाने क्या क्या पढ़कर अनेकों डिग्रियां लेकर आते हैं, परंतु कृष्ण के मित्र उद्धव हेवन रिटर्न थे, स्वर्ग से रिटर्न होकर आए थे। ऐसे उद्धव जी को ज्ञान का मद अभिमान हुआ। उद्धव जी के ज्ञान के मद को तोड़ने के लिए भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव जी ने अपने ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें की, परंतु उद्धव ने देखा धन्य है गोपियों का प्रेम, अद्भुत है। गोपियों ने बार बार कहा उद्धव जी आपकी ये बात हमारे समझ में आ ही नहीं रही है। रसखान जी ने, रत्नाकर जी ने एक पद लिखा गोपियों के शब्दों में, कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग नीपे, ब्रज में तिहारी कला नय को ही खटे नहीं। उद्धव जी आप ज्ञान की बोरी लेकर तो आए हैं, लेकिन अब ये ज्ञान की बोरी ही किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाइए और इस बोरी को फेंक दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपके ज्ञान की बोरी खपेगी नहीं है, बटेगी नहीं। क्यों? सूरदास जी लिखते हैं उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव हम क्या करें, हम तो चाहती हैं आपकी बात को माने, परंतु एक परवशता है, हम लाचार हैं कि भगवान ने हमको एक ही मन दिया है।
उधव जो एक मन भगवान ने दिया था वो मन तो हम कृष्ण को दे चुके हैं, अब ये तुम्हारी बात हम किस मन में कहां पर बिठाए, कहां पर टिकाए। तो ब्रज की गोपियों के प्रेम को देखकर श्रीमद् भागवतम में एक पूरा अध्याय है, उद्धव गीत भ्रमर गीत नामक, बहुत उच्च भाव और उच्च लीला है। परंतु भक्तों, इन गोपियों के और श्रीमती राधा रानी के प्रेम को जब उद्धव जी ने देखा, तुरंत उद्धव जी वहां से मथुरा गए और भगवान श्री कृष्ण को कहे, कृष्ण मेरी इच्छा नहीं थी मैं यहां पर वापस आता, कृष्ण सत्य कहूं तो आपने मुझे समाचार लेने के लिए भेजा था, इसलिए समाचार देने यहां पर आया हूं, परंतु धन्य है कृष्ण व गोपिया, धन्य है श्रीमती राधा रानी, धन्य है श्रीमती राधा रानी जो आपसे दिलो जान से प्रेम करती है। कृष्ण आशा महो पद चरण रेणु, कृष्ण बस अब मैं एक ही लालसा, एक ही इच्छा करता हूं कि बस मरने के बाद यदि दूसरा जन्म मिले तो उस गोपियों की और श्रीमती राधा रानी के चरणों की रज बन जाऊं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन्य है वह गोपी, धन्य है राधा। और इसी उद्धव जी के भाव में रसखान जी ने एक पद लिखा, मानुष हो तो वही रस खानी। उद्धव जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन। हे कृष्ण, मरने के बाद यदि मनुष्य का जन्म हो तो बस आपके चरणों में एक ही निवेदन है कि उस ब्रज का एक गोप ग्वाल सखा बन जाऊं, परंतु मेरे भाग्य फूटे हुए हैं, मैं मनुष्य तो किंचित कभी भी नहीं बनूंगा, जीवन में पाप किए हैं। कृष्ण, मरने के बाद यदि पशु बनाना हो, जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरावत नंद की धेनु मंजारन। कृष्ण, मरने के बाद मेरे कर्मवश यदि मैं पशु बनूं तो आपके चरणों में एक ही निवेदन है, जिस गांव में गोपियां रहती हैं, राधा रानी रहती हैं, उस गांव की एक गाय बन जाऊं, ताकि उनके पीछे 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 मैं चलता रहूं। परंतु मुझे विश्वास है कि न तो मैं मनुष्य बनूंगा न पशु बनूंगा, मेरे कर्म के अनुसार मैं तो पत्थर बनूंगा, क्योंकि मेरा दिल, मेरा हृदय पत्थर के समान कठोर है। पाहन हो तो वही गिर को जो। उद्धव जी, यदि आपको मुझे पाहन पत्थर बनाना हो तो आपके चरणों में एक ही निवेदन है, मरने के बाद गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक छोटा सा पत्थर बना देना, गोपियां आएगी, कृष्ण आएंगे और उनके चरण रज को मैं स्वीकार करता रहूंगा। अंत में कहा, कृष्ण क्या बताऊं, बस आपको समाचार देने आया, नहीं तो मेरा मन हो गया कि मैं वहीं पर रुक जाऊं, उनका दास बन जाऊं। कहने का तात्पर्य ये है भक्तों, श्रीमती राधा रानी को और उनके प्रेम को समझना अत्यंत मुश्किल है। इस संसार में सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि से राधा तत्व का निरूपण करते हैं, परंतु राधा क्या है वो तो कृष्ण भी नहीं जान पाए। संसार में रजस और तमस में फंसा हुआ व्यक्ति राधा के विषय में क्या जान पाएगा, और अपने रजोगुण और तमोगुण के कारण राधा रानी के विषय में कुछ भी बोलते रहते हैं, जैसे जिसको समझ में आया वैसे वैसे बोलते रहते हैं। कुछ लोग राधा को दोष देते हैं, कुछ लोग राधा को एक छोटा सा पात्र समझ लेते हैं, परंतु राधा की महिमा तो इस संसार में कोई नहीं जान सकता है, कृष्ण भी नहीं। एक संत ने बहुत सुंदर पद लिखा,
भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, व्योम तत्व, इस संसार में जितने भी तत्व हैं, ये सभी तत्वों के तत्व एकमात्र कृष्ण है। गीता में भी कहते हैं ना, भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये आठ प्रकार की प्रकृति, ये जो तत्व है, ये सारे तत्व भगवान भगवत तत्व से उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण तत्व से समस्त तत्व उत्पन्न हुए हैं, परंतु कृष्ण का भी यदि कोई तत्व है, कहते हैं तत्व के भी तत्व, कृष्ण के भी तत्व यदि कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। पूरी दुनिया, पूरा संसार भगवान श्री कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, कृष्ण की एक छोटी सी शक्ति है माया, ये सारी दुनिया माया के सामने अपना मस्तक झुकाकर खड़ी है। सब लोग माया के सामने झुके हुए हैं या कृष्ण के सामने झुके हैं, परंतु वही माया के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति श्रीमती राधा रानी के सामने झुक जाते हैं। ऐसे राधा रानी की महिमा कौन बता सकता है, कौन बता सकता है। राधा रस सुधा निधि के प्रारंभ में ही आचार्य वर ने कह दिया कि राधा की महिमा क्या बताए, यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में खड़े हैं, और वो कृष्ण कौन है, योगी दुर्गमन अपि मधुसूदनोपि, जो मधुसूदन मधु नामक दैत्य का वध किए, ऐसे परम पराक्रमी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, और जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए योगीम दुर्लभम, बड़े बड़े योगी अनेकों योग जतन करते हैं, लेकिन जिस कृष्ण की प्राप्ति तक उनके चरणों का ध्यान तक नहीं कर सकते हैं, ऐसे सर्व दुर्लभ, दुर्लभाति दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में खड़े रहते हैं, और गोकुल में खड़े खड़े कभी कभी हवा का रुख बदल जाता है, और कभी कभी बरसाने की ओर से या जावट की ओर से हवा आती है, तो बरसाना और जावट की ओर से जो हवा आती है, और वह हवा भगवान श्री कृष्ण के अंग को स्पर्श होती है, तो वह हवा कृष्ण को स्पर्श होते ही कृष्ण उस हवा को स्पर्श करके अपने आप को धन्य नहीं, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी, कृष्ण अपने आप को कृतार्थ मान लेते हैं कि ये वो हवा है जहां बरसाना में मेरी राधा रहती है, और राधा के आंचल से स्पर्श होकर ये हवा मेरे पिताम्बर को स्पर्श हो रही है, आज तो ये कृष्ण धन्य हो गया, धन्य नहीं धन्याति धन्य हो गया। बताइए, जिस राधा को स्पर्श करने वाली, राधा को भी नहीं, राधा के साड़ी को, उनके साड़ी के आंचल को स्पर्श करने वाली हवा जब कृष्ण के पीताम्बर को स्पर्श होती है, तब कृष्ण अपने आप को परम धन्य महसूस करते हैं। उस राधा के विषय में क्या बोला जाए, क्या कहा जाए भक्त, उस राधा के विषय में जो भी कहा जाए वह अपराधी होगा, क्योंकि राधा की जो महिमा है, उनका जो भगवान के प्रति समर्पण है, प्रेम है, उसके विषय में बोलना ये छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। और हम इसके विषय में पूर्ण जो रात दिन भोग में फंसे हुए हैं, मेरी तरह काम के कीड़े बनकर जीवन बिताते हैं, ऐसा व्यक्ति राधा के विषय में कुछ नहीं बोल सकता, हम परवश। परंतु राधा रानी के इस राधा अष्टमी के उत्सव में आप सब भक्त आए हो, और बहुत बड़ी आशा लेकर आए हो कि हम सुनेंगे, तो योग्यता नहीं है और किसी भी प्रकार की स्थिति अवस्था भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक उत्साह है। उत्साह के कारण यहाँ पर सब सजाया गया है, वातावरण भी निकुंज जैसा बन चुका है, कई सारे भक्त नए नए वस्त्र पहन कर आए, और मैं भी ये दुपट्टा डाल कर आया हूँ। जानते हैं ये क्यों डाला, मेरी पत्नी का है, लेकिन मैंने डाला क्योंकि राधा रानी को ये रंग बहुत पसंद है। आपको नहीं पता है तो बता दूं, राधा रानी सदैव ये रंग की साड़ी पहनती है, इसलिए आज भले आपने ग्रीन, नीली, पीली पहन ली, लेकिन राधाष्टमी के दिन ये रंग पहनना चाहिए। आप कभी देखेंगे बड़े बड़े संतों के द्वारा राधा रानी की यदि पिक्चर बनाए गए, तो ये रंग का ही साड़ी राधा रानी ने लगाया होगा।
क्यों? कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं और राधा रानी नीलाम्बर पहनती है, क्यों? क्योंकि कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते हैं और राधा का रंग पीला है, तो कृष्ण सोचते हैं राधा की याद एक सेकेंड भी भूलनी नहीं चाहिए, इसलिए वो पीताम्बर पहनते हैं और कृष्ण का रंग ये वर्ण का है, नीलाम्बर, नीलाम्बर जैसे अंबर आकाश। तो श्रीमती राधा रानी नीलाम्बर धारण करती हैं, तो हम सब मूड में तो है। कमलेश प्रभु भी देखिए नीला टी शर्ट पहन कर आए पूर्ण भाव में। तो बहुत सुंदर आप सब भक्तों का आगमन। आइए सर्वप्रथम राधा तत्व के विषय में कुछ समझे, राधा रानी के प्रेम को समझे, और तत्पश्चात संक्षिप्त में राधा रानी का जन्म और फिर से नाच गान। इस अवसर में गाना और नाचना ही मुख्य है, बोलना बहुत कम होता है। हमें याद है वो दिन राधा रानी के जन्म के दिन, राधाष्टमी के दिन हम बरसाना में थे और पूज्य महाराज जी आए, हम लोग गा रहे थे, महाराज जी बैठे 5 मिनट बोले, क्या बोलेंगे, आप लोग गा रहे थे वही ठीक है गाओ। फिर हम लोग गा कर थक गए तो फिर 10 मिनट बोले, फिर बोले वो ठीक ही था, आप जो गा रहे थे वही ठीक था, आप गाओ। फिर से हम लोग थक गए, आधा घंटा गाए फिर चुप हो गए, फिर 5-10 मिनट बोले, फिर अब क्या बोलूँ राधा के विषय में, एक काम कीजिए आप लोग गाते ही रहो। तो इस प्रकार से वास्तव में उत्सव गाना, गान बजान और नाच, इसी से उत्सव संपन्न होता है। तो आइए यथामति हम इसका थोड़ा सा वर्णन करें। आगे ले सभी भक्त से निवेदन है, आज के लिए सबसे बड़ा दान जगह दान, तो पीछे कई लोग खड़े हैं, थोड़ा थोड़ा जगह दान कर दीजिए, राधा रानी के अवसर में जगह का दान कीजिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे शरीर ऐसे और आवाज इतनी बड़ी कैसे, इसको कहते हैं उत्साह। आइए तो थोड़ी सी शांति बनाए रखें, शुरू करते हैं। श्रीमती राधा रानी की बहुत महिमा है, आपने पिछले 15 मिनट में यही सुना और अनेकों श्लोकों में अनेकों जगह पर गाया जाता है कि जिस राधा रानी के चरणों की रज, यो ब्रह्म रुद्र सनक, ब्रह्मा जी शिव जी और संका दीग भी जिस राधा रानी के चरणों की रज के लिए तड़पते हैं, ऐसी श्रीमती राधा रानी की महिमा परम अद्भुत है, महिमामय है। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप में से कोई मुझे जवाब दीजिए और फिर प्रवचन शुरू करते हैं कि राधा रानी की इतनी महिमा क्यों है, इतनी सारी महिमा क्यों, हमारे विपुल प्रभु की इतनी महिमा क्यों है? वैसे बाल तो है नहीं सिर पर कि हम उनकी महिमा गाए हैं कि बहुत अच्छे घुंघराले बाल हैं, विपुल प्रभु की महिमा इसलिए क्योंकि अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। इसके पीछे कोई रीजन होता है, किसी की भी महिमा के पीछे कोई कारण होता है। राधा रानी की इतनी इतनी महिमा गाई जाती है क्यों, कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए जो बताना चाहते हैं, बोलिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण सबसे ज्यादा राधा को ही प्रेम क्यों करते हैं? सिंपल आंसर है, राधा रानी की इतनी महिमा क्यों, बोलो
Very good. Sahi jawab. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Radha Rani ki asim aparisim mahima hai. Kyun? Kyunki Radha Krishna se dilo jaan se prem karti hai. Bas. Aur kuch nahi hai. Radha Krishna se purn rup se prem karti hai. Isi liye Shrimati Radha Rani ki mahima hai. तो हम भी यदि कृष्ण से प्रेम करेंगे राधा रानी के चरण कमलों का अनुगमन करते हुए तो निश्चित कृष्ण हमारी भी महिमा बढ़ेगी कृष्ण भी हमसे प्रेम करेंगे तो आइए राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं इसलिए उनकी महिमा है तो उस प्रेम के विषय में कुछ सुना जाए है ना हम लोग रोज सुबह मंगला आरती में बोलते हैं कि मनुष्य की परम सिद्धि है जो है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त करेंगे तो प्रेम क्या है प्रेम की क्या सीमा है तो हमने जो श्लोक का उच्चारण किया तीन बार सब ने उसमें प्रेम की व्याख्या दी गई है प्रेम किसे कहते हैं और ये व्याख्या कौन करते हैं भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद भीष्म प्रहलाद उद्धव और नारद ऐसे लोगों के द्वारा प्रेम की व्याख्या हुई मतलब ये कोई आज का कोई मजनू के द्वारा व्याख्या नहीं हुई है आज भी लोग प्रेम में पड़ जाते हैं लेकिन आज का प्रेम तो टेम्पररी प्रेम है समाज और संसार का प्रेम ये नित्य नहीं है वास्तव में नारद भीष्म प्रहलाद ये सब भगवान को जानने वाले हैं महाभागवत हैं भगवान के प्रिय भक्त हैं तो भीष्म प्रहलाद नारद और उद्धव इन चारों के द्वारा ये चारों अलग अलग कोटि के हैं भीष्म ब्रह्मचारी हैं नारद जी सन्यासी हैं उद्धव जी कृष्ण के मित्र हैं सखा हैं और प्रहलाद असुर कुल में जन्म लेने वाले ये चारों अलग अलग क्वालिटी के लोग प्रेम की व्याख्या किए हैं एक ही व्याख्या किए हैं क्या कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिर उच्चते भीष्म नारद प्रहलाद आदि प्रेम का अर्थ है अनन्य ममता विष्णु भगवान श्री कृष्ण में अनन्य रूप से ममता हो जाए ममता का अर्थ तो जानते हैं ममता किसी माता जी का नाम भी होता है लेकिन ममता का अर्थ है किसी वस्तु में मेरी की भावना अहम और मनान इति अज्ञान संसार के विषय में ममता का अर्थ होता है ये मोबाइल मेरा है और इसको कोई भी यदि छुएगा तो मेरे हृदय में दुख हो जाएगा कि मेरा मोबाइल लिया इसका अर्थ ये है कि ये मोबाइल के प्रति मेरी ममता है ये पूर्ण रूप से मैं मेरा ही समझ चुका हूँ इसे तो कहते हैं अनन्य ममता कृष्ण अन्य सभी वस्तुओं से अपनी ममता हटाकर कृष्ण में ही अपनी ममता निहित कर देना अर्थात जिस घर में रहते हैं वह घर हमारा न मानना पत्नी पुत्र परिजन ये संसार वैसे भी हमारा है नहीं है और न तो हमारा रहने वाला है लेकिन आज हमारी बुद्धि उस संसार में और वस्तु में हो चुकी और बस उसी को ही हम हमारा मानते हैं बस ये घर मेरा ये बंगला ये ऑफिस मेरी तो हम लोग की इन संसारी की सांसारिक वस्तु में और संसार के व्यक्तियों में ममता हो चुकी ये मेरे हैं परंतु ये सभी ममताओं को हटाकर वो सारी ममता एकमात्र कृष्ण में हो जाना कि कृष्ण ही मेरे हैं बाकी सब पराया है बस यही है प्रेम ये है प्रेम की परिभाषा अन्य सभी जगहों से ममता हटाकर कृष्ण में ममता प्रेम संगता प्रेम से कहां बात आ रही है हरे कृष्णा इसे कहते हैं प्रेम और हम लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं वास्तव में भक्ति का अर्थ भी होता है प्रेम
तो हम यदि अपने आप को भक्त मानते हैं तो क्या भगवान में हमारी ममता है? ये सिद्धांत के अनुसार थोड़ा विचार कीजिए, क्या हम में भगवान के प्रति प्रेम है? प्रेम का अर्थ है संसार में सभी वस्तु से ममता हटाकर कृष्ण में ममता लगा देना। भक्तों, हम लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, दीक्षा भी लिए हैं, परंतु कृष्ण को कुछ हद तक अपना मानते हैं, ये मेरे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अपना नहीं मानते हैं। यदि कृष्ण को पूर्ण रूप से अपना मानते होते हैं, तो आज हम हमारे पुत्र की जो सेवा कर रहे हैं वो कृष्ण की करते होते, हमारे पति की, हमारे माता पिता की जो सेवा कर रहे हैं वो कृष्ण की करते। परंतु कृष्ण से ज्यादा सेवा संसार की किसी व्यक्ति की और वस्तु की कर रहे हैं, इसका अर्थ है हमारी पूर्ण ममता भगवान में नहीं। और ममता की बात छोड़ दीजिए, हम लोग तो भगवान से प्रेम भी करते हैं, उसमें कितना स्वार्थ है। प्रथम स्वार्थ तो यह है कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ममता के लिए यहाँ भक्ति नहीं हो रही है, यहाँ तो दुखों से मुक्त होने के लिए भक्ति हो रही है। तो हम जो कृष्ण की भक्ति में लगे हैं उसमें तो कृष्ण प्रेम की गंध भी नहीं है, प्रेम की बात तो दूर रही। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम गोपी भाव और गोपियों का प्रवचन सुने, गोपी गीत सुने, लेकिन क्या सुने, हम कहाँ हैं ये तो देखिए, किस स्थिति में है हम लोग। तो भक्तों, आज हमारी ममता सांसारिक वस्तु में है, लेकिन वह प्रेम हमारे हृदय में उदित होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? संसार से ममता हटकर कृष्ण में ही पूर्ण ममता कैसे उत्पन्न हो सकती है? उसका क्रम श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बताते हैं। आप सब जानते हो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को एक महीने तक तीर्थराज प्रयाग में इलाहाबाद में एक महीने तक उपदेश दिया। ये वही उपदेश है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये प्रेम कैसे उदित होता है, ध्यान से सुनिए। आज हमारी भगवान में ममता नहीं है, लेकिन ये ममता का उदय कैसे होगा, ये अनेकों दृष्टांत और अनेकों सिद्धांत के अनुसार बताते हैं। प्रारंभ करते हैं, कोनो भाग्य कोनो जीवेर श्रद्धाय दिहय तबे से जीव साधु संग जे करय। ध्यान से सुनिएगा, कोनो भाग्य कोनो जीवेर श्रद्धा यदि है, किसी भाग्य से बड़े बड़े जब बहुत भाग्य और पुण्य होता है तब किसी जीव में श्रद्धा उदय है, श्रद्धा का उदय होता है किसी व्यक्ति के जीव में। सबसे पहले ये प्रेम तो बहुत ऊपर का स्टेज है, नीचे से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेम की प्रथम सीढ़ी है श्रद्धा। ये कथा जो है श्रद्धा से शुरू होती है और कृष्ण प्रेम में अंत होती है। तो कोनो भाग्य, बहुत बहुत भाग्यवान व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। कोनो भाग्य, तो ये भाग्यवान व्यक्ति कैसे बनता है? व्यक्ति सुकृति से भाग्यवान बनता है, और सुकृति का अर्थ होता है जाने या अनजाने में भगवान या उनके भक्तों की सेवा, यह है सुकृति। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति को या भक्ति के तत्व को नहीं जानते, लेकिन कभी कभी भक्तों की मदद कर देते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, तो उनको नहीं पता है, लेकिन उनके जीवन में एक सुकृति तैयार हो गई। और वह सुकृति का जब ढेर हो जाएगा तो वह सुकृति उसे ऐसा धक्का देगी, उनके हृदय में तुरंत श्रद्धा का बीज उत्पन्न हो जाएगा। तो आज हमारे हृदय में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, अब हुई है क्या नहीं हुई है वो आपको देखना है, आगे आएगा श्रद्धा किसे कहते हैं, परंतु बड़े भाग्य से हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय,
कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास कि ये कृष्ण की भक्ति करने से मेरा सारा कार्य ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास जब हो जाए तो उसे श्रद्धा कहा जाता है। और ये महत कृपा से, सुकृति से प्राप्त होती है। और जब किसी व्यक्ति में श्रद्धा होती है तब ऐसे श्रद्धालु में वो में से ऐसे 1 करोड़ श्रद्धालु लोग होते हैं, उनमें से 1 जीव को किसी सच्चे व्यक्ति का संग होता है। बाकी के हैं 9,09,999 जो श्रद्धालु जीव हैं, उसको कोई पाखंडी गुरु ठग लेते हैं, किसी और जगह पर चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये बात गीता में कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् ययति सिद्ध्यते यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। अर्जुन, कश्चित् सहस्त्रेषु मनुष्येषु, हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक विरला ही श्रद्धालु बनता है और उसे मेरे भक्त की संगति प्राप्त होती है। तो कहते हैं जब हृदय में श्रद्धा होती है तबे से ही जीव साधु संग जे करे। तो केवल श्रद्धा से सब कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें तो बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा है, श्रद्धा का क्या करोगे? श्रद्धा के बाद कुछ करना होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा बच्चा बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ा, पढ़ने के बाद किया क्या? डॉक्टर बना, इंजीनियर बना कि जीवन भर पढ़ता ही रहा? पढ़ने के बाद कुछ होना चाहिए ना। तो हृदय में श्रद्धा है तो ये श्रद्धा के बाद क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि इस श्रद्धा को लेकर किसी शुद्ध साधु के चरणों में जाना चाहिए, किसी शुद्ध साधु का संग करना चाहिए। तबे से जीव साधु संग जे कराय। श्रद्धा होने के बाद वह जीव साधु का संग करता है और जैसे ही वह साधु मिल गए उनको, तो साधु के द्वारा क्या होता है? जो सच्चे साधु होते हैं वो अपने आश्रित लोगों को भजन कीर्तन कराते हैं। उनको कहते हैं संसार में तो जो साधु होते हैं वो लूटने का काम ही करते हैं, दान दे दो, डोनेशन दे दो, पैसे जमा कराओ, ये करो। परंतु सच्चे साधु अपने आश्रित भक्तों को श्रवण और कीर्तन भगवान की भक्ति में लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं साधु संग है ते हय श्रवण कीर्तन साधन भक्त ये हय सर्वनर्थ निवर्तन। साधु संग करने से व्यक्ति के जीवन में भजन क्रिया, श्रवण और कीर्तन होने लगेगा। यही है साधु संघ का लाभ। कुछ लोग कहते हैं हमने साधु का संग किया, हमने DOT का एसोसिएशन किया, साधु संघ संगति। तो ये साधु संघ का लाभ क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवण और कीर्तन। साधु संघ से एक ही आशा रखनी चाहिए, श्रवण और कीर्तन, अन्य कुछ नहीं। कई बार कुछ लोग साधुओं से आशा रखते हैं ये मेरे पीठ पर हाथ घुमा देगा मैं सुखी हो जाऊंगा। कई बार हमें भी लोग कहते हैं महाराज आप अपने मेरे बेटे की पीठ पर हाथ घुमा दीजिए और उसे बुद्धिमान बना दीजिए। मैंने कहा मैं खुद बुद्धू हूँ, मैं क्या तुम्हारे बेटे को बुद्धिमान बना सकता हूँ। भक्तों, इस संसार में एक साधु किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है मात्र श्रवण और कीर्तन की क्रिया के द्वारा। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करी एक्य। एक गुरु अपने शिष्य का उद्धार मात्र अपने मुख की वाणी से ही कर सकता है। और अन्य जो भी संसार में आप देखते हो सब डोंग है, ये सब दूसरों को ठगने का उपाय, छोटा मोटा चमत्कार। साधु के संग का वास्तविक फल यदि कोई है तो वह है श्रवण और कीर्तन। और इतिहास आप देख लीजिए, परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी जैसे साधु मिले हैं, और मात्र सुखदेव ही नहीं अनेकों साधु संत महात्मा आए,
तब अनेक लोगों ने अन्य अन्य कार्य बताए, लेकिन उस समय परीक्षित महाराज ने एक ही रटन लगा कर रखा था, गायत्र विष्णु गाथा। बस मुझे एक ही काम करना है, आप साधुओं के मुख से कृष्ण की कथा सुननी। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हुए, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव इस श्लोक के द्वारा कि हे कृष्ण, मैं आपके शरणों में हूँ, आप इस कुर्बण दुर्बलता से मुझे मुक्त कराइए, मेरा उद्धार कीजिए। तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें इस दुर्बलता से मुक्त कराने के लिए क्या करूं? तो भगवान थे, अर्जुन कह सकते थे ना, कृष्ण थोड़ा सा चमत्कार कर दीजिए, एक हाथ घुमा कर एक फल निकाल कर दे दो, मैं खा जाऊं तो सब ठीक हो जाए, अर्जुन कह सकते थे। लेकिन उस समय अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते अहम, हे कृष्ण अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, इसलिए आपसे और कुछ नहीं इच्छा रखता हूं, एक ही इच्छा बस, ब्रूही आप मेरे सामने उपदेश करो। यत श्रेयस्यम निश्चितम ब्रूही तन्मे, आप बोलो, एक ही इच्छा अर्जुन की थी, आप बोलो, चमत्कार मुझे नहीं देखना है, आप बोलो और मैं सुनूं, सुनने से ही मेरा कल्याण हो। भक्तों, इस संसार में व्यक्ति का कल्याण सुनने से होता है। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति, सुनने से ही जीव का उद्धार होता है। और कृष्ण प्रेम की सीढ़ी पर अंतिम मोड़ पर यदि पहुंचना है तो उसका जड़ है श्रद्धा, और फिर साधु संग, और फिर श्रवण कीर्तन। अभी अभी आपने कांदीवली कथा में सुना, जो भक्त आए होंगे, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, और विदर्भ देश हमारे महाराष्ट्र में जो विदर्भ देश है, कुंडिनपुर में देवी रुक्मणी का जन्म हुआ, पिता का नाम भीष्मक। देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से दिलो जान से प्रेम करती थी, उन्होंने पत्र लिखा, कृष्ण मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है, और दो दिन के बाद मेरा विवाह है, मुझे आप यहाँ से आकर लेकर जाइए। कृष्ण, आपको ये प्रश्न तो होगा कि न तो हम कभी मिले हैं, न कभी फ़ोन में बात की, न कभी फेसबुक में आपने मेरा फोटो देखा, न आपने मेरा देखा, न मैंने कभी आपको ईमेल किया, न एसएमएस किया, कभी कभी हम न मिले हैं न बात हुई, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना प्रेम क्यों करती हूँ? यदि आपको ये प्रश्न हो तो कृष्ण, आपके प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न होने का एक ही कारण, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते, आपके विषय में हे भुवन सुंदर, अहम श्रुत्वा, मैंने सुना है, नारद असित देवल व्यास इन ये सभी ऋषि मुनि जब हमारे राज्य में आते थे तो मैं उनके चरणों की सेवा कर करके उनके मुख से आपकी कथा सुनती थी, और आपकी कथा सुन सुनकर आज आपके चरणों में मेरा प्रेम इतना प्रगाढ़ हो चुका है, मैं मेरे चित्त को, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को रोकने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन लज्जाहीन होकर मेरा मन आपके चरणों में भाग रहा है, मैं क्या करूँ कृष्ण, मैं परवश, निर्लज्ज होकर मेरा चित आपके चरणों में लग चुका है कृष्ण, एकमात्र आपकी कथा सुनकर। और भक्तों, जब रुक्मणी का मन कृष्ण में लगा ना, तो हजारों हजारों सिपाहियों के बीच में से कृष्ण रुक्मणी को वैसे लेकर गए जैसे गरुड़ सर्प को इस पृथ्वी से लेकर चला जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हजारों सियारों के बीच में से एक सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है, और वह सियार हुआ हुआ करते रह जाते हैं, वैसे जरासंघ, शिशुपाल, एक से एक राजा महाराजाओं के बीच में, हजारों के सैन्य के बीच में कृष्ण रुक्मणी को वैसे लेकर चले गए जैसे सिंह अपना भाग किसी सियारों की टोली से लेकर चला जाए। तो कृष्ण हमें भी इस संसार से लेकर जाएंगे, कब? जब रुक्मणी की तरह कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और वो प्रेम कब उत्पन्न होगा? तो कहते हैं, श्रुत्वा, भगवान कृष्ण के विषय में हम सुनेंगे। तो यहाँ पर प्रेम का क्रम बताते हुए कहते हैं सर्वप्रथम हृदय में श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद साधु संग होता है, और साधु संग से क्या होता है? साधुओं के द्वारा भजन क्रिया,
अर्थात श्रवण और कीर्तन कराया जाता है। और ये श्रवण कीर्तन जब बढ़ता जाता है ये श्रवण कीर्तन करते करते क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनर्थ निवृत्ति है ते भक्ति निष्ठा निष्ठा है ते श्रवणाधे रुचि उपजय। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रसंग को चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं कि इस प्रकार से श्रवण कीर्तन करने से जीव के हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, आप सब जानते हैं हमारे हृदय में अनेकों अनर्थ हैं और हमारे हृदय के अनर्थ या तो परमात्मा जानते हैं या हम जानते हैं। बाहर से तो हम इतना ड्रामा और इतना पेश आते हैं कि लगता है वेद व्यास के बाद कोई कथाकार होगा तो लाल गोविंद व्यास, इतना मतलब बाहर से दिखावा होता है। राधा रानी के बाद यदि कृष्ण से कोई प्रेम करता होगा तो हम माताएं सोचती हैं, बाहर से दिखावा भी ऐसा होता है, भाव में आ जाते हैं कभी कभी, परंतु हृदय में कितने अनर्थ हैं ये तो हमारे परमात्मा जानते हैं और कुछ हद तक हम लोग जानते हैं। भक्त ये अनर्थ कब जाएंगे तो कहते हैं निरंतर श्रवण कीर्तन करने से। ये थोड़ा बहुत श्रवण कीर्तन नहीं, इस श्रवण और कीर्तन को निरंतर करते रहना पड़ेगा। अनेकों प्रकार के अनर्थ हैं, जीव हिंसा कूटनाती पूजा प्रतिष्ठा लाभ, दूसरों की पूजा लेना, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ मिल जाना, धन मिल जाना, ये अनेकों प्रकार के अनर्थ हैं भगवान की भक्ति में। लेकिन ये अनर्थ कब जाएंगे, कहते भक्ति करने से ही अनर्थ निकलेंगे। भक्ति करते करते जो हृदय में अनर्थ उत्पन्न होते हैं वे अनर्थ की दवाई भक्ति ही है। लगातार भक्ति करते रहने से ये अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी और अनर्थ निवृत्ति है ते निष्ठा दृढ़ है। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, हृदय में से सारे अनर्थ निकल जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण में हमारी निष्ठा होती है। निष्ठा भक्तों, ये निष्ठा कौन सा स्टेज है आप लोग गिन रहे हैं? पहला स्टेज श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया श्रवण कीर्तन, चौथा अनर्थ निवृत्ति और पांचवा है निष्ठा। भक्तों, ये श्रद्धा सुकृति के द्वारा हो जाती है और कभी कभी साधु संग भी हो जाता है और भजन क्रिया भी हो जाती हैं, लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को पार करते करते कितना समय बीतता है, एक बार हमने गुरुजी से पूछा था, बोले 10,000 जन्म तो निकल जाएगा ये अनर्थ निवृत्ति से पार करने में। प्रेम तक पहुंचना है और उस प्रेम तक पहुंचने के बाद ही भगवत धाम मिलेगा, लेकिन ये अनर्थ निवृत्ति में कितना समय निकलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। यदि व्यक्ति स्ट्रांग साधना करे तो कम समय भी हो सकता है, और यही साधना डीले और बस कर रहे हैं, होता है चलता है आता है जाता है आया राम गया राम तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति को यदि हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो 10,000 जन्म तक भक्ति करते रहेंगे फिर भी भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भक्ति तो मिली है परंतु इस भक्ति को गंभीरता से हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं अनर्थ निवृत्ति जब हो जाती है तब भगवान में निष्ठा उत्पन्न होती है, और जब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, निष्ठा है तो श्रवण आदे रुचि उपजाई, फिर निष्ठा जब हो जाती है फिर उसके बाद भगवान में रुचि उत्पन्न होती है, फिर अब भगवान में मन लगने लगता है, रुचि भगवान पसंद आते हैं। अभी पसंद आते हैं? अभी तो सब लोग हाँ कहेंगे, लेकिन माला जोले में हाथ डालने में नानी मर जाएगी, आगे आएगा। यदि हम ये दावा करते हैं भगवान हमको पसंद आते हैं तो व्यक्ति की वाणी कृष्ण के नाम लिए बिना रुकेगी नहीं।
व्यक्ति की जीवा बंद नहीं होगी, उसके जीवा को पकड़ना पड़ेगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु को पकड़ना पड़ता था, अब तो बंद करूं जीवा को। इसे कहते हैं प्रेम। हम बस दिखावा करते हैं, प्रेम है, मानते हैं, करते हैं, नहीं है ये। आज भगवान का नाम 16 माला जप करने में भी कितना कष्ट होता है, जब 16 माला जप करने में कष्ट होता है, तो यहाँ पर आगे ये बात आएगी, 2400 घंटा भगवान का नाम व्यक्ति के हृदय से निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाती है, भगवान अच्छे लगने लगते हैं, और रुचि है ते भक्त है आसक्ति प्रचुर। जब रुचि दृढ़ हो जाती है तब उस भक्त को भगवान में आसक्ति होती है। आसक्ति माने अब वो व्यक्ति भगवान के बिना रह नहीं सकता, एक लगाव, एक अटैचमेंट हो जाता है। और जब भगवान में पूर्ण रूप से आसक्ति हो जाती है तब उस भक्त के हृदय में भाव उत्पन्न होता है। ये भाव क्या है? ये भाव जो है प्रेम की प्रथम अवस्था। प्रेम का अंकुर है भाव, और जब भाव पूर्ण रूप से स्थायी हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब उस साधक के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और वो प्रेम उत्पन्न होता है, कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण से करने वाली श्रीमती राधा रानी है। और भक्तों, यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो उस प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये 8 स्तर, उस 8 स्तर में प्रथम स्तर जो है श्रद्धा, ये श्रद्धा भी हमारी अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई है, बाकी सब तो दूर की बात। पूर्ण श्रद्धा भी विकसित नहीं, क्या हम में श्रद्धा है पूर्ण रूप से? नहीं है। पूर्ण श्रद्धा होती तो हम पूर्ण रूप से गुरु के आदेश का पालन करते, साधुओं की संगति में जो भी बात सुनते तुरंत हमारे जीवन में अप्लाई कर देते। साधुओं ने, संतों ने कहा मंगला आरती में जगो, नहीं जगते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। विचार कीजिए, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रथम स्टेज ही हमारा ठीक नहीं है, श्रद्धा में ही हम लड़खड़ा रहे हैं, क्या साधु संग, क्या भजन क्रिया, क्या अनर्थ निवृत्ति, क्या निष्ठा, क्या रुचि, क्या आसक्ति, क्या भाव, क्या महाभाव, क्या प्रेम, ये कितने दूर है। और जहां ठीक से हृदय में श्रद्धा भी विकसित नहीं हुई, और वो व्यक्ति कहे मैं तो कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण से प्रेम करता हूँ, कृष्ण मेरे रूप में, क्या खाक तुम्हारे, ये सब ढोंग है, धतीन ड्रामा है, और प्रभुपाद जी ने इसको सहजिया कहा है। और ऐसे लोग ही समाज में उत्पात मचाते हैं। जब क्रम के अनुसार प्रत्येक स्टेज को पूर्ण रूप से पार नहीं करते हैं और सीधे अपने आप को प्रेम के स्तर में रख देते हैं, मैं प्रेम करता हूं, करती हूं, उत्पाद एव ही कल्पते, शास्त्र में कहा गया कि इस शास्त्र के विधि विधान को पालन किए बिना यदि कोई अपने जीवन में बस सीधे भगवान से प्रेम और ये सब करने का दावा करते हैं, वो समाज में मात्र उत्पाद मचाते हैं। प्रभुपाद जी इससे बहुत खिलाफ थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं सहजिया वृत्ति के, जो बाहर से गोपी ड्रेस और गोपी के रूप में पेश आते हैं, लेकिन कोई साधना, कोई राग, कुछ नहीं। तो भक्तों, हम सबको ये स्टेज, ये स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, हम कहाँ पर हैं। जैसे दिवाली आती है और हिसाब जोड़ते हैं कि हमें धीरूभाई अंबानी तक पहुँचना है, या हमारे पड़ोसी जो बिजनेस करते हैं वहाँ तक बिजनेस को आगे लेकर जाना है, हम कहाँ पर हैं। तो हमारा लक्ष्य यदि प्रेम है तो प्रेम को प्राप्त करने में हम किस सीढ़ी पर हैं? तो हम तो अभी श्रद्धा में भी नहीं है, श्रद्धा भी हमारी कोमल है। 2-5 व्यक्ति आ जाए, जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाए, पुत्र मर जाए या कुछ, पति मर जाए, तो थोड़ा सा जीवन में उथल पाथल होते ही श्रद्धा टूट भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, श्रद्धा के बाद ही सब होगा। तो भक्तों, ये है महा दिव्य प्रेम की स्थिति। तो कहते हैं कि ये प्रेम की स्थिति जो है श्रीमती राधा रानी में पाई गई। अब आइए, प्रेम की बात कर ही चुके हैं तो थोड़ी ये भी बात कर ले कि जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसके जीवन में क्या होता है।
चलो भाई होने वाला तो है नहीं, मुझे नहीं लगता है मेरे जैसे आदमी को होगा, लेकिन कम से कम सुन तो ले क्या होता है उस स्थिति में। तो यहाँ वर्णन आया है कि जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति बताते हुए श्री रूप गोस्वामी भक्ति सामृत सुंदर में लिखते हैं, शांति अव्यर्थ कालत्व निराशी मान शून्यता, विरक्ति ही मान शून्यता, आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदारुचि। ध्यान से सुनिए, जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो चुका है, ये एक सिद्धांत की बात मैं आपको कर रहा हूं। इस प्रवचन के द्वारा हम राधा रानी की महिमा को भी समझ रहे हैं कि कहाँ है राधा रानी का स्तर कृष्ण प्रेम। ये साधारण एक वाक्य में बोल दिया कृष्ण प्रेम, तो ये है क्या कृष्ण प्रेम? और दूसरा, संसार में समाज में जो लोग कृष्ण प्रेम का ड्रामा करते हैं, जो मात्र कृष्ण प्रेम की मात्र कोरी बातें करते हैं, क्या उनके जीवन में वास्तव में है कृष्ण प्रेम? ये हमें देखना है। तो जिसके जीवन में कृष्ण प्रेम आता है, सर्वप्रथम उनके जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए नव प्रीतिंकुर जार चित्ते हय प्राकृति शोभे तार शोभे नाही हय। बोले कृष्ण प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कृष्ण प्रेम के पहले का एक स्तर है भाव। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होता है, एक प्रेम का एक अंकुर स्फुरित होता है, उनके जीवन में क्या होता है? तो कहते हैं उनके जीवन में सर्वप्रथम शांति हो जाती है। कृष्ण प्रेम का सर्वप्रथम पहलू क्या है? शांति। जिस साधक के चित्त में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ, उनके जीवन में शांति हो जाएगी। शांति अव्यर्थ काल। शांति का अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्राकृत क्षोभे तार क्षोभ नहीं पाए। प्राकृत संसार में कितनी भी उथल पाथल हो जाए, वो घर पर बैठा है, उनकी ऑफिस जलकर राख हो जाए, लेकिन पेट में पानी भी न हिले, जो भी हुआ ठीक। ये तो घर पर बैठा है, कांच का ग्लास फूटा, इसका दिल टूट गया यार, इतना महंगा कांच का ग्लास। प्रेम की अवस्था का वर्णन कर रहा हूं भक्तों, विचार कीजिए वह स्थिति कितनी दिव्य होगी। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम की बात नहीं है, कृष्ण प्रेम का अंकुर, थोड़ा सा प्रेम की झलक जिसके हृदय में आ गई, उसके जीवन में क्या होता है? प्राकृत इस संसार के दुख का असर उनको नहीं होता। संसार में कितनी भी उथल पाथल मच जाए, उसे कुछ नहीं होता है। और उसका दृष्टांत देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाराज परीक्षित पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा परीक्षित ने जितने भोग भोगे, आज की पूरी दुनिया मिलकर भी इतना भोग नहीं भोग पाया कोई। हम लोग क्या भोग भोग सकते हैं, हमारे पास है ही क्या? पूरी दुनिया के एकमात्र राजा, उनके इशारे से पूरे बड़े बड़े राजाओं के तख्त उनके चरणों में झुकते थे। ऐसे राजा परीक्षित को शाप मिला कि आप 7 दिन में मरने वाले हो, है ना? यहां पर मान लो कोई प्रकट हो जाए और आपको कह दे कि आने वाले रविवार को आप मरने वाले, क्या होगा? तुरंत पहले तो व्यक्ति का दिमाग ही आउट हो जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं, है क्या खा लूं, ये पी लूं, ये कर लूं, वहां कर लूं, या भक्ति करूं, ये करूं, क्या पढ़ूं, ये लिखूं। लेकिन महाराज परीक्षित के जीवन में जब उनको पता चला कि आप 7 दिन में मरने वाले, वो चाहते तो अपने मृत्यु का उपाय तुरंत एक आदेश से कर सकते थे, लेकिन जैसे ही पता चला महाराज 7 दिन में आपको तक्षक आएगा, आपको मार डालेगा, महाराज परीक्षित के हृदय में थोड़ा भी शोभ नहीं हुआ। उल्टे महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए, चलो मैंने एक अपराध किया था, उसका फल मुझे इसी जीवन में मिल गया, यदि नहीं मिला तो मरने के बाद नरक में भुगतना पड़ता था। यहां तक कि महाराज परीक्षित की स्थिति को देखकर जहां महाराज परीक्षित हरिद्वार में गए, हजारों हजारों ऋषि मुनि आए, है ना? कभी कभी संसार में जो रोगी होता है ना, उसको उतना टेंशन नहीं होता है, पर इन्हें खबर काढ़वा आवे नहीं, इन्हें टेंशन वधारी दे।
બોલા બેચારાને કમળો થયો, એ આરામ કરતો એના ઘરે. બોલા ખબર કાઢવા આવે ને, શું થયું? કમળો. અરે રે 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 રે, કમળો થયો તમને? કમળો તો ભગવાન દુશ્મન ને ન આપે, કારણ કે હવે તો કમળામાંથી કમળી થશે, અને કમળીમાં કોણ રહ્યા છે હવે? ભલે ફલાણા ભાઈ હતા એને કમળી, તમારી જેમ જ હતું વૈયા ગયા. ભલે ફલાણા બેને વૈયા ગયા, એનો અર્થ કે તું કાલે જવાનો છે. અમુક અમુક લોકો ખબર કાઢવા આવે, એ ઓલાનું ટેન્શન વધારી દે. તો એસા હુઆ મહારાજ પરીક્ષિત કી સભા મેં, કે અનેકો ઋષિ મુનિ આયે. પરીક્ષિત કો શોભ નહીં થા, લેકિન લોગ બોલને લગે, મહારાજ હાય રે હાય, સાત દિન મેં મરોગે, ચક્રવર્તી સમ્રાટ યે વો. લેકિન મહારાજ પરીક્ષિત, અર ભક્તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્લોક, મહારાજ પરીક્ષિતને જો શ્લોક બોલાવો, કોટ કરતે હૈ કે ઉસ સમય મહારાજ પરીક્ષિતને એલાન કિયા, કરોડો ઋષિ મુનિયો કે બીચ મેં મહારાજ પરીક્ષિત સાત દિન મેં મરને વાલે હૈ. અવાજ એ જોરથી નીકળે જેનો સાત દિવસમાં મરવાનું હોય ને, એની વાણી ગદગદ થઈ જાય. લેકિન સાત દિન મેં મરને વાલે હૈ એલાન કરે, તમ મોપયાતમ પ્રદયંતુ વિપ્રામ ગંગા ચ દેવી ઘૃતચિત્ત મીશે દ્વિજોપતુષ્ટમ કુહક તક્ષકોવા દશત્વલમ ગાયત વિષ્ણુ ગાથા. હે સાધુઓ, હે સંતો, આપ લોગ યહાં પર આયે હો, આપ ચિંતા મત કરો, આજ મુજે કિસી ભી પ્રકાર કી ચિંતા નહીં હૈ. ક્યું? આજ મેં ભલે મર જાઉં, મુજે કિસી કા ભય નહીં, ક્યોંકિ હજારો ઋષિ મુનિયો કે બીચ મેં ખડા હું, ગંગા કા તટ મેરી બાજુ મેં હૈ, ગંગા કે કિનારે ઋષિ મુનિયો કે બીચ મેં, ઓર ભગવત કથા કે સાથ મેરી મૃત્યુ હોગી, મેરી મેરી મૃત્યુ નહીં, મેં તો ધન્ય હો જાઉંગા ઓર ભગવાન કો પ્રાપ્ત કર લુંગા. સાત દિન મેં મરને વાલા વ્યક્તિ ઇસ પ્રકાર સે એલાન કરતા હૈ કે મુજે કોઈ ચિંતા નહીં, અને થોડીક શરદી થયું તો વ્યક્તિ ટેન્શનમાં આવી જાય, ડોક્ટર પાસે જવું પડશે, દવા લેવી પડશે. થોડી સી શરદી હો જાય તો વ્યક્તિ ઇસે શાંતિ નહીં કહેતે, વાસ્તવ યે પ્રેમ કી અવસ્થા હૈ. કૃષ્ણ પ્રેમ જિસકે મન મેં ઉત્પન્ન હો ગયા, વો તો જીવન મેં કિતના ભી આયે બહુત નિશ્ચિંત રહેતે હૈ. દ્રષ્ટાંતો ભરે પડે હૈ. જયદેવ ગોસ્વામી કે હાથ પાંવ કાટ કર ચાર ચોરો ને મિલકર કુવે મેં ફેંક દિયા, ઓર માતાજી સબ્જી સુધારતે સમય હે થોડી સી ઉંગલી લગ જાતી હૈ તો કિતના હલ્લા કરતી હૈ, ઉસ દિન પ્રભુજી કા ભોજન બિગડ જાતા હૈ, તુમ્હારે લિયે બના રહી થી ઓર કટ ગયા. પરંતુ ભક્તો, જીસ જયદેવ ગોસ્વામી કે દોનો પાંવ દોનો હાથ કાટ કર ચાર ચોરો ને મિલકર કુવે મેં ડાલ દિયા, ઉસ સમય ભી એકમાત્ર શોભ નહીં, ભગવાન કી ભક્તિ, ભગવાન કા નામ નિરંતર જપ રહે. ઓર કલ હરિદાસ ઠાકુર કા તિરુભાવ દિન, જ્વલંત પ્રમાણ હૈ ઇસ વસ્તુ કે. ઉસ મુસલમાન રાજા ને આદેશ દે દિયા હરિદાસ ઠાકુર કો, ઇનકા જન્મ બુઢન ગાંવ મેં હુઆ થા, જન્મ સે મુસલમાન થે પરંતુ કૃષ્ણ કી ભક્તિ કરતે થે. ભક્તો, હમારે સંસાર મેં ભી એસે એસે મુસલમાન હુએ જો કૃષ્ણ કે પરમ પ્રેમી, ઓર કવિઓને તો લિખા હૈ એસે મુસલમાનો કે ઉપર યદિ હજારો હિન્દુઓ કો કુરબાન કરના પડે, કુરબાન હૈ એક સે એક, જિસે રસ ખાન, ખા ખાન ઓર ભી, ઓર ઉની મેં સે એક હૈ હરિદાસ ઠાકુર, કૃષ્ણ કી ભક્તિ કરતે થે. ઓર એસે કૃષ્ણ કે પરમ ભક્ત જહાં જાતે થે સબ લોગ ઉનકો દેખકર ભક્ત બન જાતે થે. એક દિન મેં 3 લાખ નામ જપ કરતે થે. હમને સુના કે પિછલે દિનો મેં છુટ્ટીઓ મેં ગોપીનાથ મંદિર કે કુછ ભક્ત વાડા મેં જાકર 3 લાખ નામ જપ કિયે, ઉનકા અનુભવ હમને સુના, માધવાનંદ પ્રભુ બતા રહે થે. લગભગ સુબહ 2:30 બજે સે શરૂ કિયા ઉન લોગો ને, ઓર એક વ્યક્તિ કા સુબહ 2:30 બજે સે શરૂ કિયા થા, રાત કો 7:30 બજે સમાપ્ત હુઆ. સમાપ્ત હોને કે બાદ તો વો ઇતના નાચા કે ફિર ઉસકો સુલાના પડા. એક દિન 3 લાખ નામ જપ કરકે વ્યક્તિ ઇતના ખુશ હો ગયા, યે રોજ કરતે થે.
डेली। उनके प्रभाव से लोग भक्त बनते गए, लेकिन मुसलमान राजा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आदेश दे दिया कि इस हरिदास ठाकुर को इतना पीटो, इतना पूरे गांव के सामने मारो, ताकि गांव के लोग ये हिम्मत ना करें। ये हिंदू समाज, ये मुसलमान समाज कृष्ण की भक्ति करने की हिम्मत ना करें। चार चार जल्लाद हरिदास ठाकुर को कोड़ों से पीट पीट कर मार रहे थे, परंतु भक्तों जैसे ही वह चाबुक, वह हंटर हरिदास ठाकुर के शरीर के ऊपर पड़ता तो खून निकल जाता था, और प्रत्येक चाबुक के ऊपर कृष्ण का नाम निकलता था। आपको कोई चाबुक मारे, जरा एक्सपीरियंस करना चाहिए, कृष्ण का नाम निकलता है, गाली निकलती है, हाय रे बाप हाय रे माँ निकलता है, लेकिन प्रत्येक चाबुक पर कृष्ण का नाम। और एक नहीं, एक बाजार पे मारते थे और मार मार के इतना मूर्छित कर देते थे, फिर घसीट कर दूसरे गांव में लेकर जाते थे, दूसरी बाजार में। ऐसे 21 बाजार में पीटा गया और मारते मारते हुए चार जल्लाद थक गए। हरिदास ठाकुर को कहने, हरिदास अब तो कृष्ण का नाम लेना बंद कर, हमने तुम्हें इतना मारा इतना मारा, तुम्हारे शरीर में इतने जख्म हो गए, खून से लथपथ हो गए, अब तो कृष्ण का नाम लेना बंद करो हरिदास। उस समय हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये हरिदास कृष्ण का नाम लेना कभी नहीं छोड़ेगा। खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, ताबुना वदने आबी आमी ना छाड़ीबू हरि नाम। शरीर के टुकड़े टुकड़े, और कोई एक अंडर की बात छोड़ो, एक रस्सी मार कर कहे है आज सोला माला मत जपना, बोले वैसे भी कहाँ जपना था, आप कह रहे हो तो नहीं जपेंगे। परंतु ये है प्रेम की प्रथम अवस्था है शांति। व्यक्ति के मन में शोभ नहीं होता है, उथल पाथल नहीं होती, बस शांत होता है। आइए प्रेम की दूसरी अवस्था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्णेर संबंध बिना काल नहीं जाए। जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रेम का अंकुर फूट चुका है, उसके हृदय में दूसरा स्वभाव क्या हो जाएगा, कृष्ण के स्मरण के बिना उसका समय नहीं जाएगा। उसका इसका अर्थ है उसका प्रत्येक समय कृष्ण से जुड़ा हुआ होगा। जैसे वे दृष्टांत देते हुए कहते हैं वाणी भिस्त अस्तवने, उस प्रेमी भक्त की वाणी निरंतर कृष्ण के कथा में, कृष्ण के नाम में लगी रहेगी, उनका मन निरंतर कृष्ण का स्मरण करने में, उनकी उनके हाथ कृष्ण की सेवा करने में, उनके चरण कृष्ण की के दर्शन उनके धाम में जाने में, वे निरंतर कृष्ण का स्मरण, कृष्ण से जुड़ी हुई सेवा करता रहे, ये दूसरा। और तीसरा कहते हैं भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ ताहे नाही भाए। और जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम का अंकुर फूट चुका है, उसको भुक्ति संसार का कितना भी बड़ा भोग मिल जाए, यहाँ तक कि उसे सभी सिद्धि प्राप्त हो जाए, पानी पर कोई कह दे तुम पानी पर चलने लगोगे, हवा में उड़ने लगोगे, लेकिन ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि भी उस व्यक्ति को कुछ नहीं लुभा पाएगी जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे कुछ नहीं कर पाएगी। और वह संसार के भोगों को वैसे छोड़ देगा, दृष्टांत देते हुए कहते हैं जैसे राजर्षि भरत, यो दुस्त्यजान दारान सुतान सुहद राज्यम हृदय स्पृश, कहते जिस वस्तु को छोड़ना अत्यंत दुस्त्य, पत्नी को छोड़ना कोई आसान बात है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, चलो पत्नी से झगड़ा हो जाए तो कभी कह दे मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, पुत्र को छोड़ना कोई आसान चीज है, चलो पुत्र में आ सकती नहीं तो धन को छोड़ना और अपने राज्य को छोड़ना, बोले जिस वस्तु को छोड़ना अत्यंत दुष्कर है, मुश्किल है, ऐसी पत्नी को, पुत्र को, धन संपत्ति, अपने दास दासी नौकर चाकर और राज्य को राजर्षि भरत ने कैसे त्यागा, तो कहते हैं मलवत उत्तम श्लोक लालस,
भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इतनी लालसा थी कि इन सबों को उसने वैसे त्यागा जैसे हम रोज सुबह मल को त्याग कर उनके सामने देखने तक खड़े नहीं रहते। जैसे कोई मल को त्यागते हैं या वोमिट करता है तो तुरंत वहाँ से निकल जाता है, अब ऐसा सोचता नहीं कि यार मेरे अंदर से निकला है तो अब मेरा ही है तो थोड़ा इसका संग करे, जरा इसको इसके बाजू में बैठे, थोड़ा एसोसिएशन करे। होता है कभी ऐसा? जैसे व्यक्ति वॉमिट करता है या मल को त्यागता है तो एक सेकेंड भी वहाँ बैठना नहीं चाहता है, तुरंत उसको त्याग देता है। वैसे राजर्षि भरत ने त्याग दिया। क्यों? उत्तम श्लोक लाल से हृदय में प्रेम का अंकुर फूट चुका था, निकल चुका था। यह है प्रेम की अवस्था। प्रेम जब आता है तब छोड़ने में कष्ट नहीं होता है। और यहाँ पर भक्तों को कहा जाए राधाष्टमी है या कोई प्रोग्राम है आप आइए, बोले ऑफिस नहीं छोड़ पाऊंगा। जिन्होंने पूरा राज्य छोड़ दिया और हम एक दिन की ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को टारगेट लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं हमारे प्रेम की अवस्था बता रहा हूँ। कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, वास्तव में कोई प्रेम नहीं है हमें, नहीं तो व्यक्ति भगवान के लिए क्या ना कर सके। आगे कहते हैं प्रेम की और एक अवस्था, कहते हैं सर्वोत्तम आप ना के हीन करी माने। जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर फूट चुका है वो व्यक्ति अपने आप को हीन समझेगा, अपने आप को तुच्छ मानेगा। वो ऐसा ही समझेगा कि मेरे में किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु दृष्टांत देते हैं कि हरो रतिम वह नेश, यदि कोई राजाओं का राजा भी नरेंद्र रिपाम, कोई राजा का राजा, कोई महाराजा हो, लेकिन उस महाराजा के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उदित हो गया तो वह महाराजा भी भिक्षान अन्न तदन अरिपुरे, वह राजाओं का राजा महाराज भी अपने शत्रुओं के पास जाकर भिक्षा मांगेगा। ये प्रेम की अवस्था। और इतना ही नहीं, श्वपाकम अपि वंदते, वह कुत्ते को भी चांडाल को भी प्रणाम करेगा जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर आ चुका है। ये प्रेम, शत्रुओं के घर पर भिक्षा मांगना ये कोई साधारण बात है? ये सबसे बड़ी नम्रता है। आज व्यक्ति अपने शत्रुओं के सामने देखता तक नहीं है, है ना? उसे मांगने की और उसे भीख मांगने की बात तो दूर रही। और शत्रुओं से भीख मांगना मतलब व्यक्ति कितना सोचता है मैं उससे भीख मांगूंगा तो वो मेरे विषय में क्या कहेगा, लोगों को क्या बताएगा। लेकिन इतनी नम्रता आ जाती है कि वह राजाओं का राजा होते भी शत्रुओं से भीख मांगता है और श्वपाकम चांडाल के घर पर जाकर उनको प्रणाम करता है, या तो कुत्ते को भी प्रणाम करता है। ये है प्रेम की अवस्था। और आगे कहते हैं कृष्ण कृपा करी वेन दृढ़ करी माने, और वह निरंतर भगवान से कृपा की याचना करता है कि हे कृष्ण मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, न प्रेमा श्रवणादिनी, न तो मुझे प्रेम है, न तो मैं कोई साधना करता हूँ, योगो यथा वैष्णव, मैं आपको प्राप्त करने का कोई योग कोई साधन मेहनत नहीं कर रहा हूँ, न तो मुझ में कोई ज्ञान है, न शुभ कर्म है, और न तो मेरी अच्छी जाति में जन्म हुआ है, लेकिन हे गोपी जन वल्लभ हे कृष्ण व्यथियते हा हा महाशैव माम, बस मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे तुच्छ आदमी के ऊपर आप कृपा कीजिए। सनातन गोस्वामी ये बात कह रहे हैं। तो भक्तों ये है नम्रता, कृपा की याचना। आज तो थोड़ी सी भक्ति हो जाती है वो कृपा की याचना ही, वो तो दूसरों को कृपा बांटता घूमता है। हमारी आज ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला हो गई, आशीर्वाद ले लो हमसे। लेकिन भक्त की उच्च स्थिति में पहुंच कर भी व्यक्ति कृपा की याचना सदैव करता रहता है। और जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ उसका और एक विकार कहते हैं समुत्कंठा है सदा लालसा प्रधान। उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्त करने की नित्य लालसा रहती है। और आगे कहते हैं, संक्षिप्त में अब कह रहा हूं, आगे कहते हैं नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। और जिसके हृदय में
भगवान श्री कृष्ण का के प्रेम का अंकुर उग चुका है, उसके जीवन में क्या होगा? नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम लेने में सदा के लिए रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और लये सदा कृष्ण नाम, और निरंतर वह कृष्ण नाम लेता रहेगा। क्या है? हो रहा है? नहीं हो रहा है, जिसका अर्थ है प्रेम नहीं। तो इस प्रकार आगे कहते हैं, कृष्ण गुणाख्याने हई सर्वदा आसक्ति, और जिसके हृदय में प्रेम है कृष्ण के प्रति, सदा कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो संसार से परम विरक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब प्रेम के, प्रेम की अवस्था है। तो भक्तों, ये सारी अवस्था श्रीमती राधा रानी में थी, कहने का तात्पर्य है। और श्रीमती राधा रानी को ये प्रेम की प्रथम अवस्था का बात हो रहा है, इसका अर्थ ये भाव, भक्ति करते हुए जो भाव के स्तर में पहुंच चुका है उनमें ये सब चीज होती है ना। तो भक्तों, श्रीमती राधा रानी भाव के स्तर में नहीं, वो महाभाव के स्तर में स्थित है, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी जो भगवान से प्रेम करती हैं, और कहते हैं श्रीमती राधा रानी में अनेकों गुण है, लेकिन समस्त गुणों में 25 गुण प्रधान, चैतन्य महाप्रभु इसी क्रम में आगे कहेंगे 25 गुण प्रधान, और इस 25 गुण के द्वारा ही राधा ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। मेरी इच्छा थी वो 25 गुण कहूँ आपको, लेकिन अब इसका ही विस्तार अधिक हो गया, तब वो तो वैसे 25 गुण है। राधा कृष्ण, कृष्ण जो है राधा के वश में हो जाते हैं। क्यों? पूरे संसार के स्वामी हैं, जगत के लोग जगदीश्वर करके पूजते हैं, लेकिन राधा के लिए कृष्ण क्या है? गुलाम। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, इसमें कहते हैं बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े, बड़े बड़े देवता जी से भगवान के द्वार पर तख्त चुमते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं कब कृष्ण के इस द्वारिका के महल का द्वार खुले, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम कृष्ण से मिले। बड़े बड़े देवता जिसके द्वार पर खड़े रहते हैं वही भगवान श्री कृष्ण राधा के लिए क्या करते हैं? बड़े बड़े देव द्वारन के ठाड़े बाट ताकत मुरारी है। बड़े बड़े देवता जिस कृष्ण के लिए, मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी की राह देखते हुए घंटों भर खड़े रहते हैं, कब राधे आएगी, कब राधा रानी यहां से निकलेगी और मैं मिलूंगा। और आगे कहते हैं पूरी दुनिया श्रावण महीने में कृष्ण को झूला झुलाती हैं, हैं अपने घर पर झूला बनाते हैं, सजाते हैं, झुलाते हैं, लेकिन धन्य है कृष्ण के, दुनिया कृष्ण को झूला झुलाती है लेकिन कृष्ण श्रीमती राधा रानी को झूला झुलाते हैं। झोटा देवे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान कृष्ण राधा के गुलाम है। तो आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि राधा ने गुलाम बना नहीं लिया, राधा में बहुत गुण है लेकिन 25 गुण ऐसे हैं कि जिसके कारण कृष्ण को गुलाम बनना पड़ा। तो इस विषय में कभी चर्चा करेंगे वो 25 गुण क्या है जिसके कारण कृष्ण राधा के वश में हो गए, गुलाम बन गए। तो ये सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्तों को सुनना चाहिए। आज राधा जन्मोत्सव के मूड में सब लोग हैं, आइए संक्षिप्त में श्रीमती राधा रानी के जन्म की कथा श्रवण करें और इनका जन्मोत्सव मनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। श्रीमती राधा रानी के जन्म की कथा श्रीमद् भागवतम में नहीं है, कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, परंतु भागवत में श्रीमती राधा रानी की कथा इसलिए नहीं, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी का एक बार भी नाम सुखदेव गोस्वामी ने नहीं।
इसका कारण ये था कि राधा रानी महाभाव में स्थित थी, महाभाव स्वरूपा थी, और ऐसी श्रीमती राधा रानी का नाम याद आते ही सुखदेव गोस्वामी भी महाभाव में स्थित हो जाते और समाधि में बैठ जाते। सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि राधा का नाम लूँगा और यदि मुझे समाधि लग गई तो बेचारा परीक्षित कथा नहीं सुन पाएगा। तो बड़ा ध्यान रखते हुए सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया। इसलिए राधा जी की कथा भागवत में इतनी नहीं है, अन्य पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, ये सब में जीव गोस्वामी, कवि कर्ण पूरे सब ने लिखा है। तो उन सब का समन्वय करते हुए आपको श्रीमती राधा रानी के जन्म की कथा सुनाए। वास्तव में ये कथा शुरू होती है भगवान के धाम से। नित्य धाम में, नित्य जगत में भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पति हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि मंदिरों में राधा और कृष्ण की मूर्ति क्यों रखते हैं, ये दोनों की शादी तो कभी हुई नहीं। शादी तो रुक्मणी के साथ हुई, सत्यभामा के साथ हुई। भारत के जो एक प्रधानमंत्री हुए, उस प्रधानमंत्री ने ही एक दावा किया, बोले कृष्ण के साथ राधा है उसको हटाया जाए और रुक्मणी को रखा जाए। क्यों? क्योंकि शादी कृष्ण की रुक्मणी के साथ हुई, राधा के साथ नहीं हुई। पर तो संसार के मूर्ख लोग क्या जाने राधा क्या है। शास्त्र में कहा गया कि राधा क्या है, कृष्ण का ही एक स्वरूप है राधा, कृष्ण की ही एक शक्ति है राधा, कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा के विषय में आया है कृष्णमयी देवी, वे कृष्णमयी है, भगवान कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। और ऐसी राधा और कृष्ण नित्य जगत के नित्य पति पत्नी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में सोचा कि राधा के साथ मैं रहता हूँ, हम दोनों पति पत्नी हैं, तो मैं तो भोगता हूँ सभी रस के रस को भोगता हूँ, परंतु एक रस मुझे यहाँ मेरे धाम में नहीं मिल रहा है, जो रस मात्र पृथ्वी पर ही संभव है। बोले वो कौन सा रस? बोले वह विप्रलम्ब रस। विप्रलम्ब रस माने विरह का आनंद। इस संसार में संयोग में जितना आनंद है उससे कोटि गुना ज्यादा विरह में आनंद है। तो विरह का आनंद और छुप छुप के मिलना, बात करना, एक आनंद है। ये सब शास्त्रीय बातें आप दृष्टांत से समझ सकते हैं। इस संसार में विवाह के पहले जब किसी की मंगनी हो जाती है, अब आज तो समाज इतना फॉरवर्ड हो गया है, पहले तो मंगनी होने पर रिस्ट्रिक्शन होता था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक आप लोग बात नहीं कर सकते हो, फ़ोन भी नहीं कर सकते हो, हाँ महीने में एक बार प्रेम पत्र लिख सकते हो। हमने देखा भी है, मैं बहुत छोटा था तो हमारी चाचा की मंगनी हुई थी, तो प्रेम पत्र जिस दिन आता था, मैं दोपहर को घर पर रहता था, तो प्रेम पत्र मेरे हाथ में आता था, तो कभी कभी मैं पढ़ता भी था। मुझे तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला प्रेम पत्र लिखने का, लेकिन क्या प्रेम पत्र होता था। पहली बात तो जिस दिन प्रेम पत्र होता था उस दिन हमारे चाचा हमको रात को पार्टी देते थे, इतना खुश हो जाते थे, और फिर मैं देखता था। और मुझे आज भी वो घटना याद है, मेरी आंखों के सामने आ रही है कि वो प्रेम पत्र जब लिख रहे थे तो स्केच पेन का बॉक्स आता है ना, अलग अलग रंग की स्केच पेन, तो एक स्केच पेन उठाते थे, एक अक्षर लिखते थे, फिर दूसरी स्केच पेन, चाचा ये आप क्या कर रहे हो? बोले तुझे कुछ बताना नहीं चलेगा, मैं लिख रहा हूँ। मैं जानता था ये लव लेटर लिख रहे हैं। फिर मैंने कुछ पढ़ा, सुनना है? लिख रहा हूं खून से,
अब मैं देख रहा था कि स्केच पेन से लिख रहे थे, मैंने कहा चाचा ऐसा झूठ क्यों लिख रहे हो आप, अरे तो चुप रहे, लाल कलर लिख रहा हूं खून से सिलाही मत समझना, मर रहा हूं तुझ पे जिंदा मत समझना। लेकिन वही चाचा और चाची आज झगड़ा करते हैं रोज, दो बच्चे हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि मैं चाचा को इसलिए लाया कि विवाह के पहले जब रिस्ट्रिक्शन होता है तब आदान प्रदान, मिलने में, बात करने में जो रस, जो आनंद होता है, वो आनंद शादी के बाद थोड़ी ना होता है, है ना? जिसको अनुभव है किस लोगों को पूछ लीजिए, आपको पता चलेगा, नहीं होता है। विवाह के पहले यदि बॉयफ्रेंड को कहो मुझे फिल्म देखना है तो बेचारा जाएगा, डेढ़ घंटा धूप में खड़ा रहेगा और कैसे भी करके टिकट लेकर आएगा, और शादी के बाद रविवार आ जाए और कहे कि चलो ना आज पिक्चर देखने जाए, रोज रोज क्या है? क्यों भाई, तू तो मेरे लिए डेढ़ घंटा लाइन में खड़ा रहता था शादी के पहले, अब क्या हो गया? तो अरे विवाह के पहले तो छुप छुप के मिलना था, रिस्ट्रिक्शन था, और उसमें एक एक रस था, एक आनंद था, और उसके बाद तो सब सब साथ में ही हो जाता है ना, 24 घंटा साथ में रहो तो क्या आनंद। विवाह के पहले लड़की लड़के बात करते हैं, हमारे बाजू में ही गार्डन है, हमारे बिल्डिंग के सामने, और स्कूल है, कॉलेज है, कॉलेज में कम बच्चे बैठते हैं, गार्डन में ज़्यादा होते हैं, एक दिन गिना मैंने, और लड़के लड़की सुबह से बैठते हैं, दोपहर शाम हो जाती है। एक बार तो मैंने कैमरा फिट किया, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था इस बारे में, कैमरा की बैटरी डाउन हो गई लेकिन उन दोनों की बैटरी डाउन नहीं हुई। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, सुबह से लेकर बैठे थे शाम तक, न खाया न पिया कुछ नहीं, इतना बात किया, इतना बात किए वो लोग, बिल्कुल निर्जला उपवास हो गया। हम लोग तो जिस दिन निर्जला उपवास होता है तो कभी ये सोफे से ये सोफे पर, कभी बिस्तर पर, कभी नीचे लौटते हैं, कभी चक्कर काटते हैं, वहाँ जाते हैं, ये लोग एक जगह पर बैठकर निर्जला उपवास, तब लगता है कि नहीं वास्तव में ये लोग आनंद तो ले रहे हैं। और वही लोग शादी के बाद एक मिनट भी आमने सामने नहीं बैठ सकते, एक मिनट भी। शादी के पहले गाना गाते, मैं अक्सर गाता हूँ कि मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। फिर वो कैसेट बनाते ना, वीडियो की कैसेट, तो जैसे वो वर जो होता है वह पत्नी के गांव में जाता है तो तुरंत गाना बदल जाता है, गोरी तेवरा गांव वो बड़ा प्यार। वो गाना बदल जाता है। शादी के पहले सब सब होता है और बाद में झगड़ा होता है, तेरे साथ एक मिनट नहीं रह सकता, डाइवर्स के पेपर तो ला साइन कर देता हूँ। तो इस प्रकार से तो वक्त इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि विवाह के पहले चुप चुप कर मिलना, रिस्ट्रिक्शन में एक आनंद है, इस आनंद को शास्त्रीय भाषा में परोकिया भाव विप्रलंब रस कहते हैं। तो ये आनंद भगवान ने शायद देखा होगा अपने धाम से, यार ये आज के कॉलेज और स्कूल वाले बंक मार मार के इतना आनंद ले रहे हैं और मैं भगवान होकर भी आनंद नहीं ले रहा हूँ। तब भगवान ने सोचा अब तो पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और यहाँ तो मैं और राधा पति पत्नी इसलिए ये आनंद नहीं लूट सकते, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, इनका जन्म कहीं और, मेरा कहीं और, इनकी शादी भी कहीं और, मेरी और फिर जब छुप छुप कर मिलेंगे और जो आनंद लूटेंगे तो अद्वितीय होगा। तो इस आनंद को लूटने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से पृथ्वी लोक पर आए। अब भगवान ने सोचा, ये राधा को, राधा ने नहीं सोचा, भगवान ने सोचा, भगवान ने सोचा। तो एक दिन भगवान ने राधा को कहा, राधा एक काम करते हैं, हम लोग पृथ्वी पर जाते हैं और वहां जाकर लीला करेंगे। राधा ने कहा, देखो मैं नहीं आऊंगी, आपको जाना है तो जाओ। क्यों नहीं आओगी? तब राधा कहती हैं,
कि कृष्ण यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति और जहां गोवर्धन नहीं है, तत्र मैं न मन सुख, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। जैसे आज मैं विरार के किसी अच्छे फ्लैट पर रहने वाले पति अपनी पत्नी को कहे, चलो अभी हमको धारावी झोपड़पट्टी में रहने जाना है, हमें धारावी में जाना है, तब आज की पत्नी कहेंगी, यत्र डिश टीवी नास्ति न यत्र डीवीडी प्लेयर, यत्र जोगर्स पार्क नास्ति तत्र मैं न मन सुख, वहां पर मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन धन्य है राधा, राधा ने क्या कहा, जहां गोर भक्तों, जब राधा ने ये कहा ना, उस समय वृंदावन यहाँ पृथ्वी पर नहीं आया था, ये कोरा था पृथ्वी, ये गोवर्धन वृंदावन यमुना सब भगवान के धाम में थे। लेकिन राधा ने कहा कि ये जहां पर वृंदावन गोवर्धन यमुना नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगता। कृष्ण ने कहा ये सब कुछ नीचे उतार दू तो, बोले तो मैं सोच सकती हूँ। तब राधा को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम, ये सब की एक सेपरेट लीलाएं हैं, फिर कभी विस्तार से सुनेंगे, या वृंदावन यात्रा में जाएंगे तो वहाँ विस्तार से सुनेंगे कि भगवान ने किस प्रकार से गोवर्धन को अपने धाम से इस पृथ्वी पर उतारा, किस प्रकार से भगवान ने यमुना को अपने धाम से नीचे उतारा, और किस प्रकार से साक्षात वृंदावन को अपने धाम से नीचे उतारा। भक्तों, ये वृंदावन गोवर्धन यमुना ये सारी वस्तु इस भौतिक जगत का अंश नहीं, ये भगवान के धाम से आई हुई वस्तु है। तो प्रश्न हो सकता है कि भगवान के धाम से वो सब कुछ यहाँ पर आ गया तो वहाँ क्या खाली हो गया सब? कहते यहाँ का प्रकाश, यहाँ का वैभव वहाँ पर है, बाकी ओरिजिनल तो यहाँ पर आ गया। विचार कीजिए वृंदावन गोवर्धन यमुना की कितनी महिमा। तो सब कुछ यहाँ पर आ गया, भगवान ने देख लिया, सब पृथ्वी पर चला गया। अब क्या हुआ, एक दिन श्रीमती राधा रानी भोजन पका कर कृष्ण को ढूंढे, परंतु कृष्ण मिले नहीं। और राधा रानी कृष्ण को ढूंढने के लिए वन में गई तो कृष्ण विरजा को लेकर, विरजा एक सखी है, विरजा सखी को लेकर कहीं घोर वन में चले गए। राधा रानी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आई और कृष्ण ने आवाज़ सुन ली, अरे अब तो राधा यहाँ पर आएगी, हमें पकड़ लेगी। विरजा ने कहा, कृष्ण चिंता मत करो। तुरंत विरजा ने एक नदी का रूप बना लिया। राधा आई तो देखा कि नदी बह रही है, वन है। राजा ने कहा, कृष्ण इस निर्जन स्थान में आप अकेले अकेले क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, देखते नहीं, वो शांति लेने आया हूँ। अब कितनी शांति हो तो पता है। बोले कोई बात नहीं, चलो आपके लिए भोजन तैयार है। तो इस प्रकार दूसरे दिन भी राधा रानी ढूंढने गई तो विरजा सखी नदी बन गई। तीन चार दिन लगातार हुआ। राधा ने सोचा, ये आखिर रोज शांति लेने कृष्ण जाते, कुछ गड़बड़ है। तो अब की बार श्रीमती राधा रानी कुछ बोले बिना कृष्ण जाए उनके पहले ही वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही राधा पहुंची, विरजा को पकड़ लिया, बोले अच्छा तुम ही हो और मेरे आने पर तुम नदी बनकर बहती हो, जाओ। राधा रानी क्रोधित हो गई, इस प्रकार से चुप चुप कर आप मिलते हो, जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम नदी बनकर यहाँ पर नाटक कर रही हो, तुम वास्तव में नदी बन जाओ। उस दिन से वो विरजा नदी बन गई और कृष्ण को, अपने पति को श्राप दिया। ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा था। बोले कृष्ण, तुम इस प्रकार से मेरे से दृष्टता किए, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तरह हरकत किए, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पृथ्वी पर चले जाओ। उसी समय श्रीमती राधा रानी का भाई आया और वो भाई बहुत क्रोधित हो गया, कृष्ण का साला। बोले बहन, तू कृष्ण को श्राप दे रही है, भगवान को श्राप दे रही है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी पृथ्वी पर चली जा, और तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे 100 वर्ष के लिए कृष्ण का विरह होगा। कृष्ण की जो इच्छा थी, अब कृष्ण ने खुद अपने से श्राप नहीं दिया, साले से दिलवाया। अब साले को क्या कहेगी, सब घर का ही मैटर था। कृष्ण यदि कुछ करते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो ये सबसे जब सब कुछ करवा लिया, तब कृष्ण ने कहा, शाबा शाबी, बंद करो, सब शांति रखो। अपना काम पड़ गया तो कह दिया, सब शांति रखो, अब जो भी हुआ देव की इच्छा से हुआ, अब हम सब लोग भोगत लेंगे, क्या करें। इन्हीं की इच्छा थी ये सब नीचे जाने का प्लान। तो चिंतामणि धाम, एक दूसरे ने श्राप दिया और समय आने पर सब लोग नीचे आए। लेकिन राधा ने एक वादा किया, कृष्ण
मैं पृथ्वी लोक पर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले पृथ्वी लोक पर जब मेरा जन्म होगा तो पृथ्वी लोक में सबसे पहले ये संसार के पंच महाभूत से बने हुए लोगों को नहीं, मैं आपको देखना चाहती हूँ, और दूसरा मैं प्रथम निवाला आपसे खाना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा तथास्तु, मैं पूर्ण करूंगा। तो इस प्रकार से वहां पर ये सब ऊपर की लीला है, वहां पर वादा हुआ और आगे चलकर ये हुआ भी। जब राधा रानी का जन्म हुआ तब नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को लेकर आए और लड्डू बांट रहे थे। तो दो लड्डू था, कृष्ण ने अपना लड्डू खा लिया और दूसरा लड्डू यशोदा मैया ने कहा जाओ राधा को दे दो। तो कृष्ण रास्ते में चलते चलते आधा लड्डू खुद खा गए। राधा ने कहा था मैं तुम्हारा जूठन खाऊंगी तुम्हारे हाथ से। तब कृष्ण ने कहा ठीक है मैं खिला देता हूँ। तो राधा रानी का जिस दिन से जन्म हुआ था उस दिन से उनकी आंखें बंद थी, उनकी आंखें खुली नहीं थी। लोग बड़े परेशान थे, ऋषिभानु बाबा कीर्तिदा देवी सब परेशान थे। परंतु कृष्ण गए और कहा राधा देखो मैं आया हूँ। तो अपने प्राण प्रिय को आते देख कर राधा रानी ने जीवन में प्रथम बार अपनी आँखें खोली और कृष्ण का प्रथम दर्शन किया और अपने हाथों से भगवान कृष्ण ने राधा रानी को भोजन कराया। तो इस प्रकार से राधा रानी की इच्छा पूरी हुई। अब किस प्रकार से भगवान के धाम से पृथ्वी पर आए और जन्म हुआ यह लीला भी हम संक्षिप्त में श्रवण करें। आप सब जानते हैं समय हो चुका है, पक्का चला है, 10 बज गया है, ना ना आधा घंटा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट। विपुल प्रभु कह रहे हैं कि कल से मेहनत करें, वसूल तो करना है प्रभु जी थोड़ा। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण का जब मथुरा में कंस के कारागार में जन्म हुआ, वसुदेव जी उसे छोड़कर आए और कंस जब उस 8वीं कन्या को शिला से पटकने गया, वो कन्या हाथ से निकल गई और कहा मूर्ख तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। भागवत में केवल इतना ही वर्णन किया गया, अन्य पुराण में लिखा है कि उस कन्या ने उसके साथ साथ और भी कुछ कहा था। क्या कहा था? बोले कंस विंध्याचल के वहां एक ऐसी कन्या का जन्म हुआ है, उसके हाथ से बनाया हुआ भोजन जो खाएगा वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, वही तुझे मारेगा। फिर आप सब जानते हो कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल गातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर्वग्राम रजादीशु। कंस ने जब पूतना को भेजा तो पूतना गोकुल में जाए उसके पहले कंस ने कहा पहले विंध्याचल में जाकर उसको मार डालो जिसके हाथ से बनाया हुआ वो भोजन करेगा। तो पूतना पहले विंध्याचल के वहाँ गई। अच्छा, विंध्याचल के वहाँ भी एक कथा है कि आप सब जानते हो कि भगवान शिव जी की पत्नी सती, जिन्होंने हरिद्वार कनखल में अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, तब उसका जन्म दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ और ये जन्म हिमालय के वहाँ हुआ। तो पार्वती हिमालय की पुत्री थी, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की और उनकी तपस्या से उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ। शिवजी जैसे अद्भुत दामाद जिसकी कीर्ति तीनों लोक में अमर थी, तो शिवजी जैसे दामाद जब पार्वती को प्राप्त हुए तब हिमालय के भाई, हिमालय का एक भाई था जिसका नाम था विंध्याचल। तो विंध्याचल ने देखा मेरे भाई का इतना सुंदर दामाद है, मेरा भी, मेरा दामाद इससे भी अच्छा होना है। अब भाई भाई में थोड़ा बहुत तो रहता ही है, कितना भी करो कलयुग का प्रभाव है। बोले मेरा भाई भी, मेरा दामाद उससे भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या से भगवान संतुष्ट हुए, कहा क्या चाहिए? बोले मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे ऐसा दामाद प्राप्त हो जिसकी सेवा हिमालय का दामाद करे। समझ में आई बात? हिमाचल के भाई विंध्याचल ने क्या कहा? मुझे ऐसा दामाद दो जिसकी सेवा हिमालय का दामाद करे, अर्थात
मेरे घर पर जो कन्या जन्म होगी उनका पति वैसा होगा जिसके चरणों की सेवा शिव जी करे। तो भगवान ही हो सकते हैं जिसकी सेवा शिव जी करे। भगवान ने कहा तथास्तु। और तत्पश्चात विंध्याचल के वहां 9 कन्या का जन्म हुआ और वो पुतना कंस की भेजी हुई वहां पर आई और पुतना 9 कन्या को लेकर आकाश के मार्ग से उड़ गई। विंध्याचल को जैसे ही पता चला तुरंत उन्होंने यज्ञ करवाया और जैसे ही यज्ञ में आहुति डालने लगे वैसे ही आकाश के मार्ग में जो पुतना उड़ रही थी उनकी शक्ति क्षीण होती गई और एक एक कन्या गिरती गई और ब्रज 84 कोस के अलग अलग गाँव में एक एक कन्या गिरी और वह कन्या का जन्म अलग अलग स्थान पर हुआ। भक्तों 8 कन्या गिरी और वह 8 कन्या बड़ी होकर श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखी बनी। ये तुंगभद्रा विशाखा ये जो भी है अष्ट सखी। और 9वीं कन्या जो थी अंतिम आहुति डालने पर पुतना के हाथ से गिरी तो वह यमुना जल में गिर गई। यमुना जल में एक दिव्य कमल था और उस दिव्य कमल में वह 9वीं कन्या अर्थात श्रीमती राधा रानी वहां पर गिर गई। और एक कथा ब्रह्म वैवर्त में जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले एक राजा थे जिसका नाम था नृग। राजा नृग के पुत्र हुए सुचंद्र पत्नी कलावती दोनों ने बहुत बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए क्या वरदान चाहिए। बोले ऐसी पुत्री चाहिए जिसका वर साक्षात भगवान। तथास्तु कहा और वही सुचंद्र आगे चलकर गोकुल में सुरभानु और पद्मावती के पुत्र के रूप में जन्म लिए और उनका नाम हुआ वृषभानु। और जो कलावती थी वह कान्यकुब्ज अजामिल के गांव में बनंदन और मायावती की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ और उनका नाम था कलावती और प्रेम से उसे कीर्ति दा भी कहते थे। और ये वृषभानु बाबा और कीर्तिदा, वृषभानु बाबा गोकुल के कीर्तिदा कान्यकुब्ज की, ये दोनों का विवाह कराने का सौभाग्य भगवान कृष्ण के दादाजी को मिला था। नंद बाबा के बड़े भाई का नाम, बड़े नंद बाबा 9 भाई थे तो उनमें से जो सबसे ज्येष्ठ थे उन्होंने इन दोनों का विवाह कराया था। तो इस प्रकार से वृषभानु बाबा और कीर्तिदा का विवाह हुआ और ये दोनों बरसाना में रहते थे। परंतु जीवन में तकलीफ ये थी, विवाह किया बहुत समय बीत गया कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन के बाद यही दिन चल रहे थे, वृषभानु बाबा बहुत धनी थे, नंद बाबा से भी ज़्यादा धनी थे राधा रानी के पिता। कहते नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी तो राधा रानी के पिता वृषभानु बाबा के पास 12 लाख गाय थी। बहुत धनी थे और धनियों के जीवन में आपने देखा ही है आजकल लैंड खरीदते हैं विरार में एक फ्लैट, बोरीवली में एक फ्लैट, यहाँ पर एक फ्लैट है। तो ये वृषभानु बाबा का एक आवास बरसाना में भी था और एक आवास रावल में भी था। रावल एक गांव है ब्रज में। तो एक दिन की बात वृषभानु बाबा कीर्तिदा दोनों रावल में आए, बिल्कुल उनके घर के निकट से यमुना नदी गुजर रही थी। यमुना में कीर्तिदा देवी अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी सभी सखियाँ कि हे कृष्ण हमें तो बहुत कुछ मिला, हे विष्णु हमें तो बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन हमारी सखी कीर्तिदा के वहाँ कोई लाली का जन्म हो जाए, कन्या का जन्म हो जाए तो वो धन्य हो जाए, उनकी गोद भर जाए। तो सब लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन किए, प्रार्थना किए और स्तुति किए और उस कीर्तन से भगवान का अद्भुत चमत्कार, जिस यमुना में स्नान कर रहे थे मथुरा की ओर से एक दिव्य कमल है चमचम चमचम चमकते हुए तपाए हुए सोने के समान चमकता हुआ एक कमल बहते बहते इन लोगों के पास आया, इनकी दृष्टि उसमें गई तो उसमें एक दिव्य कन्या थी, तप्त कांचन गौरांगी तपाए हुए सोने के समान वह कन्या चमक रही थी। सब लोगों को यह संभ्रम हुआ कि साक्षात भगवान ने ही हमारी सखी कीर्तिदा के ऊपर कृपा करके इस कन्या को भेजा है। तुरंत कीर्तिदा ने उस कन्या को अपने हाथ में उठाया, अद्भुत चमत्कार, जैसे ही कन्या को हाथ में उठाया कीर्तिदा जी के स्तन से दूध चूने लगा, उस दूध का पान कराया और सब लोग समझ गए भगवान के द्वारा प्रदत्त एक कीर्तिदा देवी की पुत्री का जन्म हो चुका है।
जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और तुरंत उसे गोकुल में लाया गया और गोकुल में बहुत सुंदर उत्साह के साथ नंद उत्सव मनाया गया, वैसे ही राधा रानी का प्राकट्य रावल में हुआ लेकिन तुरंत वृषभानु बाबा और कीर्तिदा श्रीमती राधा रानी को लेकर बरसाना में आए। इसलिए आज भी बरसाना में राधाष्टमी सुबह 4 बजे राधा का जन्म मनाया जाता है क्योंकि ये लोग वहाँ से लेकर आए। और जैसे ही बरसाना में आए, बरसाने बजी बधाई, बरसाने में बरसाने वासियों को सबको पता चला कि कीर्तिदा के वहाँ लाली का जन्म हुआ है, एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ है। ब्रज 84 कोस के समस्त गोप गोपी सखा भक्त समस्त लोग ब्रजवासीगण बहुत सुंदर सुंदर उपहार लेकर भेंट लेकर बधाई लेकर वृषभानु बाबा के पास आने लगे और बहुत सुंदर राधा रानी का ये महोत्सव उत्सव मनाया गया। तो आइए आज हमारी कथा में भी राधा रानी का उत्सव हुआ है तो राधा रानी के जन्म के उपलक्ष में हम सब लोग बड़े प्रेम से नाचेंगे और गाएंगे। और आज रोज तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधे हमें कृष्ण के पास कृष्ण की कृपा दिला दो, हमें कृष्ण का धाम प्राप्त हो। परंतु आज राधा रानी के जन्म के दिन हम कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि कृष्ण आप राधा रानी की प्राप्ति करा दो। जहाँ पर श्रीमती राधा रानी रहती हैं उस बरसाने में हम पहुँच जाए, इस भौतिक जगत से पार होकर हमारी नैया बरसाने में पहुँच जाए। इसलिए हे कन्हैया हे कृष्ण आप हम पर पूर्ण कृपा कीजिए। कन्हैया ले चल परली पार, कहाँ कृष्ण कहाँ लेकर जाना है, जहाँ विराजे राधा रानी। कृष्ण जहाँ पर हमारी श्रीमती राधा रानी रहती हैं, बोले राधा के पास क्यों, क्योंकि कृष्ण आपका हृदय तो कठोर भी हो सकता है, आप चाहे हम पर कृपा करो या ना करो परंतु राधा तो हमारी माँ है और माँ का हृदय कोमल होता है, निश्चित वह हम पर द्रवित होगी और हम पर कृपा करेंगी। इसलिए जहाँ विराजे राधा रानी अरे अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार। गाइए हरि बोल। कन्हैया ले चल परली पार, तो राधा रानी का जन्म हुआ है तो खड़े खड़े नाचते हुए गाते हुए इस राधा रानी के बड़े उत्सव को बधाई को प्रेम से मनाइए। जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया परली पार, अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी,
मेरा प्राण आधार कन्हैया के जल पर निपार, कन्हैया के जल पर निपार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया के जल पर निपार, कन्हैया के जल पर निपार, लोक लाज सबको बैठी हूँ, लोक लाज सबको बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ, मैं तेरी अब हो बैठी हूँ, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, हाथ पकड़ लो मेरा मोहन, ना छोड़ो मझदार कन्हैया के जल पर निपार, कन्हैया के जल पर निपार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया के जल पर निपार, कन्हैया के जल पर निपार, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, मेरे मल्लाह मेरे माजी, मेरे मल्लाह मेरे माजी, और कर दे बेड़ा पार कन्हैया के जल पर निपार, कन्हैया के जल पर निपार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार कन्हैया के जल पर निपार, कन्हैया के जल पर निपार, ए दासी तेरे द्वार पे आई, दासी तेरे द्वार पे आई, सार सहारे छोड़ के आई, सार सहारे छोड़ के आई, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं,
सुन ले मेरी पुकार कन्हैया ते जल पर ले पार कन्हैया ते जल पर ले पार जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार कन्हैया ते चल पर निपार कन्हैया ये चल पर निपार अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ आंखें खूब पका बैठी हूँ आंखें खूब पका बैठी हूँ सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागिनी तू मेरा मल्लार कन्हैया तेरे जल पर निपार कन्हैया तेरे जल पर निपार जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार कन्हैया ते चल पर निपार कन्हैया ते चल